99% संगठन मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि किसी प्रशासन में सरकार की जो जन विरोधी, जो SC ST विरोधी नीतियां हैं, जो संविधान विरोधी नीतियां हैं, उनके विरुद्ध एक कागज नहीं है। मैं देखता हूं SC ST कमीशन से लेकर के प्रधानमंत्री हाउस से लेकर के हर जगह हम 24, मेरा काम यही है नीतियों पर काम करना। सरकार के जो बजट हमारा खत्म कर दिए जा रहे हैं SC ST कंपोनेंट प्लान के, उसमें कोई एक शब्द नहीं, हमारे एक नेता का कोई बयान नहीं। हाँ, बस अब ऐसे हो गया, एक ट्रेंड चल गया कि कहीं पर कोई घटना हो गई SC ST के खिलाफ, सारे लेन लगा के वहीं जा रहे हैं, सारे लेन लगा के जा रहे हैं। अरे भैया, वो एक विरोधाभास है कानून में। अगर कानून काम नहीं कर रहा तो वहाँ लोकल लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश में देखो तो हमारे 60,000 से ज्यादा संगठन है, 60,000 नेता। अगर कोई घटना हो गई तो उसको कर सकते हैं, वहाँ FIR तो दर्ज करानी है, वहाँ पर कार्रवाई तो करवानी है, और क्या करवाना है। हमारे संगठनों की जो असली जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर रहे। इस संविधान को बचाना, अपने SC ST के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को बचाना, और सरकारों से अपनी बात कहना, चिट्ठियां भेजना, दखल पेश करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। लोग अपर कास्ट हैं, एंकर से लेकर के उनके मालिकों से लेकर सारे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे पूरे दमखम के साथ, पूरे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार हो वहाँ पर, चाहे वहाँ का मीडिया हो, कि किस तरह से उसको बरी करवाया जाए, बचाया जाए। तो इसलिए ये पूरी शक्ति के साथ वो अपनी ताकत से काम कर रहे हैं। हमारी दुख तकलीफ इस बात की है कि हम ना तो सरकार में हैं और ना हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, तो बहुत कम की तादाद में हैं, और जो है भी वो लोग भी खुल के सामने आते नहीं है नौकरी के डर की वजह से। और तीसरी तरफ हमारा कोई ऐसा SC ST का कोई सोशल मूवमेंट इतना भारी ताकत में नहीं है कि जिस तरह से हम उसको डिफेंड कर पाएँ, अपने लोगों को बचा पाएँ। तो अभी सवाल इस बात का है कि वो ताकत में, मीडिया में हो, सरकार में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। ADG कह रहे हैं कि स्थान तो है मटका रखने का, लेकिन अभी मटका वहाँ मौजूद नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि चलो मटका मौजूद नहीं है, या मटका तो हटा दिया होगा, नहीं है, लेकिन मर्डर तो हुई है ना, बच्चे की मौत तो हुई है ना, पिटाई तो उसने करी है ना टीचर ने, और उसके बाद उसकी मौत हुई है उस पिटाई से। 302 तो वैसे भी बनता है ना। तो एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है, और पहली बात तो ये कि एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने उसके नॉर्म्स तय करे पूरे देश में, कोई भी टीचर किसी बच्चे को मार नहीं सकता, उसने पीटा कैसे। घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी मुजफ्फरनगर से खबर आई है कि राम राम नहीं करी ऊंची जाति वाले को तो जूतों से मारा उसको। देखिए, ये पूरी तरह एक साजिश है। हमारे पूरे नेताओं को इन्होंने व्यस्त कर दिया है। छोटी छोटी घटनाएं कभी कहीं कर देते हैं, कभी कहीं कर देते हैं, कभी पीट देते हैं, कभी कहीं पर हमारे लोगों को वो नहीं जलाने देते अपने शमशान घाटों में उनकी बॉडी। इस तरह से इन्होंने उलझा रखा है, और सारे नेता, सारे संगठन एक ही तरफ दौड़ पड़ते हैं, और दूसरी तरफ उसके तहत ये हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। हमारा SC ST का रिजर्वेशन जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जा रहा है, ये नीतियां बना रहे हैं, और जो संविधान के खिलाफ है, SC ST के विरुद्ध है, और ये चाहते हैं कि ये छोटी छोटी घटनाओं में उलझे रहे, और ये किसी भी तरीके से एकत्र होकर के इनका दिमाग, इनका ध्यान SC ST लीडरशिप का वहाँ पर ना जाए, इनकी नीतियों पर सरकार की, जो SC ST के विरुद्ध नीतियाँ हैं, संविधान के विरुद्ध नीतियाँ हैं। तो ये साजिश है। देखिए, ये एक विरोधाभास है। संविधान में बाबा साहब ने कहा था कि ये जो घटनाएं होती हैं ये विरोधाभास है, इसके लिए कानून, न्याय, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इसके हमारे लीडरशिप को ध्यान देना होगा कि भैया, हमारी जो नीतियां, अभी संविधान खतरे में है, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खतरे में है, अभी हमारी लीडरशिप को उसको बचाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मुजफ्फरनगर से मुझे फोन आया, मगर मुजफ्फरनगर में तो एक बहुत मजबूत टीम है, लीडरशिप है वहाँ पर, और सारे ही SC ST के इतने सारे नेताओं की, इतने सारे संगठन है सैकड़ों, वो उसको देख सकते हैं। वहाँ पर FIR तो दर्ज करानी है ना, अरेस्ट करवाना, कार्रवाई करवानी है। अब सारे के सारे दौड़ने का कोई मतलब नहीं है ना। अब दिल्ली में ITDC के होटल्स को बेच रहे हैं, जिसमें हमारा 22.5% रिजर्वेशन जा रहा है, हमारी पक्की नौकरियां जा रही हैं, और उससे जो प्रॉफिट आता था उससे हमारा एनुअल, हमारा बजट जा रहा है, हमारी हिस्सेदारी खत्म हो रही है, और इसके ऊपर एक संगठन नहीं देख रहा है, SC ST का एक संगठन, एक नेता का कोई बयान नहीं है इसके ऊपर। देखिए, समाधान तो ये है कि हमें एकजुट होकर के, SC ST के लोगों को एकजुट होकर के हमें अपना राजनीतिक मूवमेंट ताकत में लाना पड़ेगा, हमें इस देश की राजनीति में दखल देना पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक करने का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव लड़ें और जीत करके सीधे सत्ता में बैठ जाएं।
राजनीति का अर्थ होता है कि इस देश की नीतियों में और उन सरकारों को आप पूरी तरीके से उसमें आपकी आपकी वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए पॉलिटिकल मूवमेंट में, कि अगर कोई वो सरकारें आपके खिलाफ कोई नीतियाँ बनाएं, संविधान के विरुद्ध नीतियाँ बनाएं, तो आपका दखल हो कि आप उनको रोकने में टोकने में कामयाब हो जाए। संसद जो हमला होता है, जब संसद में मांग उठती है, आवाज उठती है, इसके बाद में विधायक जो सांसद होते हैं सस्पेंड कर दिया जाता है, सड़क पर धरना होता है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, ऐसे सारी चीजें। देखिए, जेल तो हमें जाना पड़ेगा, और दूसरी बात, जो सांसद, मुझे बताओ ना, SC ST का कौन सा सांसद गिरफ्तार हुआ है, कौन किसको सस्पेंड किया है, क्योंकि वो तो मूक दर्शक बैठे हैं। संजय सिंह SC ST का आदमी नहीं है। और देखिए, सुनिए, नहीं नहीं, पहले बात सुनिए सर, वो प्रतीकात्मक है, उसको निकाल दिया बाहर। वहीं पर आपने कल देखा ना, उसका आम आदमी पार्टी जिसका सांसद है, उसका वो नेता कह रहा है मुख्यमंत्री की मैं राजपूत हूँ, वो जाति फैला रहा है, मनीष सिसोदिया। और उससे पहले, ठीक दो दिन पहले, केजरीवाल ने कहा है कि वहाँ पर पंजाब में की एक मीटिंग में, वहाँ गुजरात में एक मीटिंग में, कि भैया दिल्ली के जो वो बनिए हैं, मुझे पहले वोट नहीं देते थे, जब उनको पता चला मैं बनिया हूँ तो वोट देने लग गए। जब मुख्यमंत्री और उसका मुखिया जब जातिवाद फैला रहे हैं, तो एक जो सांसद है वो खाली एक आई वॉश वो दिखा रहा है सिंपैथी लेने के लिए SC ST की, वो हमारे लिए ईमानदारी से नहीं लड़ रहा किसी भी हालत में। देखिए, एकजुटता के लिए एक ही वो है फॉर्मूला, कि जितनी भी SC ST की जातियां हैं, एक जाति नहीं, सभी जातियों के जितने संगठन हैं, उनकी लीडरशिप को बिठा करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एकत्र करके और एक लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और आज की तारीख में जो लड़ाई है एक मुद्दे पे, सिर्फ एक मुद्दे पर, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 16(4) का, जो हमारा रिजर्वेशन का अधिकार है, और संविधान में जो SC ST के राइट है आर्टिकल 338 जो हमें सेफ गार्ड देता है, उसके तहत हमें आंदोलन कर रहा है सबको लेकर के। और मैं आज आया था, मुझे पता चला शिक्षकों का यहाँ धरना है उसके लिए, SC ST के जो एट्रोसिटीज हो रही है, मैं इनको अपील करने आया था कि भैया आप टीचर हो, और जितने हमारे देश में टीचर है ना, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ एक धरना करने से कुछ नहीं होगा। आप टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हर संडे को आप अपने इलाकों के पार्कों में, आसपास के जो आप जहाँ रहते हो, वहाँ पर जो SC ST की बस्तियाँ हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। ये जो नई आर्थिक नीतियाँ आई हैं, इससे हमारी शिक्षा जा रही है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे हजारों हजार टीचर हैं आज की तारीख में, चाहे वो प्राइमरी के हों, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हों, चाहे वो विश्वविद्यालयों के हों। आप अपने अपने इलाकों में मोर्चा संभाल लो ना भाई, आपको पैसा नहीं देना। आप पार्कों में, अपने वहाँ के सामुदायिक भवनों में, अपने घर की छतों पर SC ST के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, गाइडेंस करना शुरू करो। आप शिक्षक हो, आपकी ड्यूटी है शिक्षा देना, और बाबा साहब ने आपको इसीलिए तैयार किया था। तो इसीलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करने आया था कि भाई आप ये लंबे लंबे भाषण मत दो, आप अपनी ड्यूटी करो, जाओ अपने इलाकों में जहाँ आप रहते हो, वहाँ ढूंढो आसपास के झुग्गी झोंपड़ियों में और SC ST की बस्तियों में, और अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उनको साक्षर बनाओ। देखे, निरक्षर हैं जिनको अक्षर नहीं पता, अंगूठा लगाते हैं, उनको अक्षर का ज्ञान दो, सहन करना सिखाओ। और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़े हैं उनको आइडिया बताओ कि आप टीचर कैसे बने, आपको उनको क्या करना चाहिए, उनको काउंसलिंग करो, अपनी ड्यूटी निभाओ। नहीं नहीं वो तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम आपको SC ST को नहीं पढ़ने देंगे। वो तो पढ़ रहे हैं पहले भी, देखिए हम वर्ण व्यवस्था में भी नहीं है, हम वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं। पंचम वर्ण बनाया था ना गांधी जी ने, हरिजन, वो हरिजन इसलिए बनाया था क्योंकि हम वर्ण में नहीं अनटचेबल्स हैं। और जो हम OBC चिल्लाते रहते हैं, वही हमारे पर दमन करता है। सबसे पहले SC ST की एकता कायम करनी होगी अदालत में, उसके बाद जब आप SC ST की एकता कायम कर लोगे तब आगे बढ़ोगे। तो और हम आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, हमारे इन टीचरों को अपने शिक्षा का मुहिम मिशन चलाना पड़ेगा पूरे भारत में। अपने सोच तो आपकी है ना, लेकिन उनकी तो नहीं है, टीचर्स की, फ्री में क्यों पढ़ाएंगे, वो पैसों में ही पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, तो फिर बाबा साहब के नाम मत लो ना, क्यों बाबा साहब की फोटो लगा रखी है, इतना बड़ा फोटो लगा रखी है। बाबा साहब ने कौन से पैसे लिए थे आपके संविधान के अधिकार देने के लिए, बताओ एक आदमी। आप जो आज पढ़ लिख करके राजा बाबू बन के घूम रहे हो, बड़े बड़े अफसर बने हो, टीचर प्रोफेसर बने हो, बाबा साहब ने कितने पैसे लिए थे आपसे मिशन चलाने के, अपने आंदोलन खड़े करने के? उन्होंने मंदिरों में जाने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने सर फुटवाए, केस लड़े, उन्होंने तुम्हें शिक्षा के लिए रास्ते खुलवाए, उन्होंने तुम्हें नौकरियों के रास्ते खुलवाए,
है, कितने पैसे मांगे। अगर आप बाबा साहब का फोटो लगा रहे हो तो आपको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, वरना बाबा साहब का नाम लेना छोड़ दो, उसकी फोटो लगाना छोड़ दो और आप भी जनरल बन जाओ। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जय भीम के नारे छोड़ दो अगर आप नहीं फ्री में पढ़ा सकते और अपनी ड्यूटी निभा सकते। ये क्रांतिकारी कदम है, आपको उस क्रांति में हिस्सा लेना होगा और अपना सर्वस्व त्याग करना होगा। जो आपके पास है वो तो दे दो, शिक्षा तो दे दो। आपको लगता है जो बाबा साहब के नाम पर संगठन चल रहे हैं वो काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। 99% संगठन मुझे नहीं दिखाई देते, क्योंकि किसी प्रशासन में सरकार की जो जन विरोधी, जो SC ST विरोधी नीतियां हैं, जो संविधान विरोधी नीतियां हैं, उनके विरुद्ध एक कागज नहीं है। मैं देखता हूँ SC ST कमीशन से लेकर के प्रधानमंत्री हाउस से लेकर के हर जगह हम 24, मेरा काम यही है नीतियों पर काम करना। सरकार के जो बजट हमारा खत्म कर दिए जा रहे हैं SC ST कंपोनेंट प्लान के, उसमें कोई एक शब्द नहीं, हमारे एक नेता का कोई बयान नहीं। हाँ बस अब ऐसे हो गया, एक ट्रेंड चल गया कि कहीं पर कोई घटना हो गई SC ST के खिलाफ, सारे लेन लगा के वहीं जा रहे हैं, सारे लेन लगा के जा रहे हैं। अरे भैया वो एक विरोधाभास है कानून में। अगर कानून काम नहीं कर रहा तो वहाँ लोकल लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश में देखो तो हमारे 60,000 से ज्यादा संगठन है, 60,000 नेता। अगर कोई घटना हो गई तो उसको कर सकते हैं, वहाँ FIR तो दर्ज करानी है, वहाँ पर कार्रवाई तो करवानी है, और क्या करवाना है। हमारे संगठनों की जो असली जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर रहे। इस संविधान को बचाना, अपने SC ST के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को बचाना और सरकारों से अपनी बात कहना, चिट्ठियां भेजना, दखल पेश करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी कोई बयान नहीं आया इस घटना पर? नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा। वो क्यों आएगा, क्यों आपको करेंगे? देखिए ये जो भी काम करते हैं, अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि नहीं आया, क्योंकि जो ये मोदी जी कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। जैसे 15 अगस्त को महिलाओं के बारे में कहा ना उन्होंने कि महिलाओं को अपशब्द मत बोलो, इज्जत दो, तो शाम को आते आते बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया, उनको वहां पर मालाएं पहनी जा रही है। यही मोदी जी थे जिन्होंने उस संसद में, पुरानी संसद जिसको मैं कहूंगा, जब वो सांसद बन के गए वहां पे पहले दिन उन्होंने मत्था टेका, और आज वो संसद को खत्म कर रहे हैं, नई संसद बना रहे हैं। उन्होंने नकली राष्ट्र लाल किले बना करके उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहले उसी लाल किले को बेचा। तो अच्छा है उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने नाम नहीं लिया, नहीं तो हमारे और पता नहीं क्या और नुकसान हो जाते। जिसकी भी जिसके बारे में विषय में बात करते हैं, देश नहीं बिकने दूंगा, देश बेच डाला, सारा बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, TDC बिक रहा है, सब बिक रहा है, और भी बैंक बिक रहे हैं। देखिए राजस्थान में सर 36 कौमे पंचायत कर रही है एक साथ मिलकर, आपने देखिए उनके जो कौमे देखे उनके खिलाफ केस होने चाहिए, वो संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने किसी ने गुनाह किया है वो कोर्ट तय करेगा, जब एक FIR हो गई है और उसके ऊपर जब ट्रायल शुरू हो रहा है तो कोर्ट तय करेगा। अगर 36 बिरादरी आ रही है उनके समर्थन में तो वो सब दोषी हैं, उनके विरुद्ध उनके संगठन, हाँ तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए। हमें यही तो काम करना है जो हम नहीं कर रहे हैं, जो काम हमें करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, और जिस काम में हमें नहीं करा उसको हम करे जा रहे हैं धड़ाधड़, और जो हमें करना वो नहीं कर रहे। तो इसलिए हमारे संगठनों को एकजुट करके हमें सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि उनका काम बताएं, उनकी जिम्मेदारी बताएं कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी इस संविधान को बचाने की पहले है, इसमें हमारे SC ST के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को बचाने की पहले है, इसको आप कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं देश आगे जाए, फिर भी आप कह रहे हैं कि देखिए ये सवाल तो वैसे बेमानी है। वो 18 घंटे करें या 20 घंटे करें या 36 घंटे भी कर सकते हैं वो, तो क्योंकि ये तो एक दिन में 36 घंटे भी कर सकते हैं, इनकी कोई वो नहीं है। लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा, हमारे SC ST के तो अधिकार खत्म हो रहे हैं ना। देखिए बाबा साहब हम ये इस बात को नहीं समझते, जब जनरल कोई शब्द होता है तो हम उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। देखिए बाबा साहब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस दे गए, SC ST को स्पेशल स्टेटस। हमारे नेताओं को पहले अपने स्टेटस को संभालने की, उसके अधिकारों को संभालने की जिम्मेदारी है। अब मोदी जी 36 घंटे काम करें, 18 करें, 20 करें, उससे हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा ना, हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, तो उससे हमारा क्या फायदा। तुम करो भाई जितने मर्जी घंटे, मगर हमारा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारे संगठनों को एक करना, इसीलिए 25 सितंबर को दिल्ली में हम जंतर मंतर पे बड़ी पूरे देश के नेताओं को बुला रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस पे निजीकरण पे बोलो, आज शिक्षा पे बोलो। ये तो सब कंट्राडक्शन है, किसी को पीट दिया, मार दिया, किसी को गाली बक दी, जातिगत, ये चलता रहेगा, और इसमें इनका मकसद है कि हमें इन चीजों में उलझाए रखें, और हम उलझ गए।
चलिए, तो अभी हमारे साथ थे अशोक अज्ञानी जी। किस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसको लेकर तो बोला ही, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से ये जो बहुजन समाज है शिक्षित नहीं है, उसे सबसे पहले शिक्षित करना होगा और हर टीचर को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ऐसे ही समाज को पढ़ाने का जिम्मा ले और ऐसे समाज को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले। तो देश में हर जगह जो है रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, आक्रोश में हैं लोग। कभी आप जंतर मंतर पे देख लीजिए तो कभी आप संसद मार्ग पे देख लीजिए, लगातार इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अशोक अज्ञानी जी का कहना है कि जो इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रदर्शन ना हो करके अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आखिर इस समाज के लिए क्या किया जाए, आखिर उस समाज को शिक्षित और संगठित करने के लिए क्या किया जाए। तो उसी के चलते देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली।